तो दोस्तों हाल ही में केरल के अलापुझा ज़िले में एक व्यक्ति की नेगलेरिया फाउलेरी ये एक दुर्लभ संक्रमण होता है जो कि एक अमीबा की वजह से होता है अमीबा आप जानते होंगे यह एक कोस की जीव होता है लेकिन यह बहुत ही खतरनाक जीव होता है एक्चुअली में ये मानव शरीर में आपकी नासिका के थ्रू आपके एंटर करता है और फिर आपका जो नज़ल सिस्टम है यानी कि घ्राण शक्ति उसके माध्यम से ये ब्रेन में चला जाता है और फिर ये ब्रेन को धीरे धीरे खा जाता है इसीलिए इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से भी जानते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा तो आपको बता दें कि ये जो अमीबा है इसको नेगलेरिया फाउलेरी के नाम से जानते हैं इसको जो नाम दिया गया है वो नाम है इसका नेगलेरिया फाउलेडी और जो बीमारी होती है इस अमीबा की वजह से उसे पी के नाम से जानते हैं और अगर आप इसे मतलब फुल फॉर्म देखेंगे तो इसको कहेंगे प्राइमरी अमीबिक मैनेंगो एनसीफेडलाइटिस प्राइमरी अमीबिक मैनेंगो एंसेफेडलाइटिस ठीक है तो ये इसका फुल फॉर्म होगा कई बार हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाए तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा एक्चुअली में अमीबा के बारे में आप जानते होंगे यह एक बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है और इसे केवल माइक्रोस्कोप इस से ही आप देख सकते हैं लेकिन ये अमीबा जब आपके नाक के थ्रू शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये बहुत ही गंभीर मस्तिष्क संक्रमण का कारण बन जाता है अब यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें ये बताया गया है कि ये कोई पहला केस नहीं है इसके पहले केरल में और भी केसेज हो चुके हैं ठीक है ये केसेज कब कब हुए हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तिरुमाला में एक केस आया था 2016 में इसके बाद दो केसेज और देखे गए थे 2019 और 2020 में Uh, क्रम से आपको बता दें मलप्पुरम में देखा गया था दो केस इसके बाद कोझिकोट में भी देखा गया और थ्रिसूर में भी देखा गया 2020 हज़ार बीस तो दो में तो इस प्रकार से कई सारे केसेस अब तक जो है रिपोर्ट हुए हैं कहाँ पर हुए हैं तो केरल में रिपोर्ट हुए हैं अब देखो ये एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति बनती है क्योंकि कहा जा रहा है कि टेन थाउजेंड विल इट मतलब केवल एक व्यक्ति दस लाख लोगों में से केवल एक व्यक्ति होता है जिसका संपर्क इस खतरनाक अमीबा से हो पाता है और अगर हो गया तो समझ लीजिए कि बस उसके बाद तो फिर बहुत ही ख़तरनाक स्थिति बनती है आपको दोस्तों बता दें कि ये जो अमीबा होता है ये शरीर में आता कैसे है देखो इसको कहा जाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा तो ये शरीर में आपके कैसे आता है मेनली जो दूषित जल होता है ना उसी के थ्रू ये आपके नाक में आता है जब पानी नहीं चला जाता है नाक में उसके बाद तो दूसरी जल में तैरने अथवा गोता लगाने या फिर कई बार होता है ना कि कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उस दौरान भी कई लोग जाते हैं कहीं पर नहाते वाते हैं तो अगर ऐसी कंडीशन बन गई कि ये जो अमीबा है ब्रेनेटिंग अमीबा ये आपके नाक के माध्यम से आपके शरीर में पहुँच गया तो उसके बाद फिर स्थिति जो है वो गंभीर होती चली जाती है तो क्या होता है इसमें देखो फ्रेंड्स हालांकि मानव शरीर नेगलेरिया फॉलेरी के प्रति सामान्यतः संवेदनशील होता है फिर भी इसका संक्रमण बहुत कम होता है तो कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र नासिका अथवा साइनस की दीर्घकालिक समस्या गर्म ताज़े जल के संपर्क में आना आदि से कुछ कारक इसकी सुभिधता को बढ़ा देते हैं अब लक्षण क्या होता है तो देखो फ्रेंड्स जब ये अमीबा आपको संक्रमित कर देता है तो फिर जो लक्षण उत्पन्न होंगे उसमें बहुत ही गंभीर प्रकार का सिर दर्द होता है यूँ लगेगा कि सर ही फट जाएगा और बुखार होगी मितली आएगी उल्टी होगी गर्दन अकड़ जाता है भ्रम की स्थिति बनती है और बहुत बार तो मतिभ्रम हो जाता है संक्रमण जो है वो तो, वो तो वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और फिर फाइनली इंसान जो है वो कोमा में चला जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि जीवित रहने की जो संभावना है वो बहुत ही कम होती है हालांकि एक दवा आती है मिल्टेफोसिन तो मिल्टेफोसिन जो दवा है वो इस पर काम करती है कुछ लोगों पर जब इसका उपयोग किया गया मिल्टेफोसिन का तो उनको फ़ायदा हुआ और वो स्वस्थ भी हो गए हैं तो उपचार के बाद भी 97 परसेंट की दर्ज मृत्यु दर के साथ नेगलेरिया फॉलेरी संक्रमण से बचने की संभावना कम रहती है मतलब बहुत कम लोग जो है इसमें स्वस्थ हो पाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा पानी जो काफ़ी दिनों से ठहरा हुआ हो और कई बार होता है ना कि कुछ नदी तालाब पोखरे होते हैं जहाँ पर पानी बहुत दिनों से मतलब अगर ठहरा हुआ जल है और उसमें सड़न पैदा हो रही है तो उस जल से दूर ही रहें और किसी भी कंडीशन में वो अगर हाथ में लग भी रहा है तो मुँह तक ना मुँह तक ना जाने पाए ठीक है तो ये चीज़ें आप जो है बिल्कुल सावधानी बरतिए और जहाँ तक हो सके पानी को उबाल कर पीजिए वो ज़्यादा बेहतर है तो पानी की सुक्षता आपको कई बीमारियों से बचाती है इस बीमारी से भी बचा सकती है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर इसी प्रकार के वीडियोज आप और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू सो मच